देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नैना और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर जिले के गरुड़ में ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ने वाले पैदल पुल की हालत खस्ताहाल बनी हुई है। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश खुलबे ने बताया कि कई ग्राम सभाओं के लोग इस पुल से पैदल आवाजाही करते हैं, जिससे लगातार दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई है। वहीं अब उन्होंने प्रशासन से तत्काल मामले का संज्ञान लेकर पुल को ठीक कराने की मांग की है। ये जो पुल है ठीक गरुड़ गंगा के ऊपर है और गरुड़ ब्लॉक को जोड़ने वाला एकमात्र पैदल पुल है। इस पुल से 3 या 4 ग्राम सभाएं अपना आवाजाही करती है। दिन भर में कई लोग इस मार्ग से चलते हैं, लगातार दुर्घटना होने की संभावना बनी रही है, कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। बागेश्वर जिले के गरुड़ में थानाध्यक्ष पंकज जोशी को मदन राम और उनकी पुत्री के कोरोना पॉजिटिव होने और होम आइसोलेशन में रहने की सूचना मिली थी। वहीं जानकारी के मुताबिक पिता और बेटी के पास स्वास्थ्य विभाग की ओर से दवाइयां उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इस दौरान थानाध्यक्ष ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी दवाइयों की किट संक्रमितों को मुहैया कराई। वहीं उन्होंने कोई भी समस्या होने पर पुलिस को सूचित करने की बात कही है। साथ ही परिजनों ने पुलिस के अभियान की सराहना करते हुए थानाध्यक्ष का आभार जताया है। हम आपके साथ पूरी हिम्मत बनाने के लिए हर समय आपके साथ सहायता हेतु उपलब्ध हैं। इसी मद्देनजर हमने ये मिशन शुरू किया है। इसके लिए हमारे पुलिस के जो अपने हेल्पलाइन नंबर हैं, सभी जिलों के प्रभारियों के भी उसमें हेल्पलाइन नंबर्स हैं और डायल 112 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नंबर है, जिसमें आप कभी भी कोई इमरजेंसी में अपनी समस्या के लिए कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं। बागेश्वर जिले के गरुड़ में इन दिनों काश्तकार जोर शोर से गेहूं की मड़ाई में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि पहले बैलों से गेहूं की मड़ाई का काम किया जाता था, वहीं अब आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए थ्रेशर से गेहूं की मड़ाई की जा रही है। इस दौरान काश्तकारों ने बताया कि आधुनिक तकनीक से गेहूं मड़ाई के काम में समय की बचत होती है, जिससे घर के दूसरे काम भी किए जा सकते हैं। बागेश्वर में नगर पालिका की ओर से कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक स्थानों और मुख्य बाजार में सैनिटाइजेशन का काम किया गया है। इस दौरान जानकारी देते हुए नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजदेव जैसी ने बताया कि पालिका की ओर से लगातार सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। वहीं कर्फ्यू के दौरान कर्मचारियों को काम करने में सहूलियत हो रही है। साथ ही उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर सुबह से ही काम जारी होने की बात कही है। जो हमारा सैनिटाइजेशन का काम है तो कंटिन्यू चल रहा है, पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा है और ये हम आगे भी लगातार जारी रखेंगे, क्योंकि कोविड का प्रकोप ज़्यादा है, परेशानी है, तो उस परेशानी को देखते हुए इस कोविड महामारी से हम बचाव के लिए जितना नगर पालिका स्तर से हम कर सकते हैं उस कोशिश कर रहे हैं और सैनिटाइजेशन कोई छुट्टी नहीं होती हमारे यहाँ। बागेश्वर जिले के कांडा सीएससी सेंटर के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश पोखरिया ने क्षेत्रवासियों से कोरोना काल में सावधानियां बरतने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हमें शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। साथ ही उन्होंने क्षेत्रवासियों से सरकार की ओर से दिए गए नियमों का पालन करने की अपील की है। कांडा कमसियार की सम्मानित जनता से मैं एक बार पुनः अपील कर रहा हूं कि कोविड काल में आपको देखिए 3 चीज़ों का बहुत ही अति आवश्यक ध्यान देना है। एक तो सोशल डिस्टेंस है, मास्क का उपयोग करें, डबल लेयर मास्क पहन सकते हैं तो डबल लेयर मास्क को उपयोग करें और हैंड वॉश और सैनिटाइजर्स का, जितने भी कोई भी काम बार बार आँखों को न छुएं, नाक को न छुएं, अपने किसी भी अंग को आप लोग ज़्यादा बार बार न छुएं। बागेश्वर जिले के कांडा सनी उड्यार अस्पताल में टीकाकरण के लिए पहुंचे लोगों को निराश होकर बिना टीकाकरण कराए ही वापस लौटना पड़ा। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि वैक्सीन लगवाने के लिए कई लोग अस्पताल पहुंचे थे, जहां कर्मचारियों की ओर से वैक्सीन खत्म होने की बात कही गई। वहीं अब ग्रामीणों ने मांग करते हुए जल्द से जल्द वैक्सीन मंगवाकर वैक्सीनेशन किए जाने की बात कही है। जो ये टीकाकरण का है, ये जो सनी उड्यार में वहां लगना था, आज घोड़ाघाट के लोग गए, वो वापस आए, तो हमारी मांग ये है कि जल्दी से जल्दी ये टीके भेजे जाए और ग्राम वाइज भी यहाँ देवतली और गाँव में जो है वहाँ भी भेजे जाए। इसमें हमने ये पता किया कल और आज पता किया कि यहाँ वैक्सीन समाप्त है, तो इसके बाद हमने कांटा डॉक्टर साहब पोखरियाल जी से रिक्वेस्ट की, फ़ोन में बात किया, तो उनका ये कहना है कि ये मेरे अंडर नहीं है, ये CMO साहब और SDM साहब और जिला अधिकारी के अंडर होते हैं। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज 31 उत्तराखंड। नमस्कार।